नहीं है ओकर सामने में, जैसे कोई पुलिस वाले है सब मीडिया वाले मतलब बुला के ऐसे कुछ करते मतलब डायरेक्टली अगर बेइज्जती हो, अगर भाई जब कुछ गलती कर रहे तो चलान भर देना चाहिए, उलझान देना चाहिए, इनडायरेक्टली पूरा सोशल मीडिया के सामने हो ओकर बेइज्जती करते, वो कहां तक सही है? कवर क्या मोर से छत्तीसगढ़ी में पूछो तो उत्तर में वैसे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोर हिसाब से बाकी व्यक्तिगत में बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बता सकूँ, काबर की कोई भी चीज से कौन कहा होते ये वो ये सारी चीजें पर्सनल होती है, तो एक उपाय के मोला ऐसे लगते है कि सबके सामने ऐसे करना गलत है, ठीक है। तो अगर आप में भी लगते, अगर मैं एक बार बोलना चाहूँ आप मल्ला, अगर आप मल्ला ऐसे कभी लगते है ना कि आपके कोनो आपके कोई चलान काटा थे कुछ होते हो कोनो आपके जो है वीडियो बनाते तो कृपया आप उन्हें बोल देना कि भैया आप लोग मोर चलान काटने आप चलान काटो लेकिन मोर वीडियो मत बनाओ, ठीक है। और कोई भी ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है जो आपके बिना परमिशन के आपके वीडियो बनाए, हो सकते हो आपसे थोड़ी देर बदतमीजी करी या कुछ और करी या आपसे अपन वर्दी की कोई चीज के ध्वंस दिखाई, पर वहां पर बराबर खड़े होकर लड़ना कवर की आप सही हो। अगर आपके मन देखो आप चलान गलती करो आप चलान काटे थे आप चलान पटात हो, ठीक है, लेकिन इधर ये मतलब नहीं कि ओकर जग हसाई हो जाए। तो अगर आप लोग इसे लगते कि मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए आप सीधे बोल देना मोर वीडियो मत बनाओ, ठीक है। सबसे लकी आप इस चीज के लिए क्योंकि आपके पास एक आवाज है आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो उसको आप डालिए ना, क्यों कर रहे ऐसे इश्यूज को आप रेज कीजिए कि क्यों भाई हमारा वीडियो क्यों बना रहे हो। लेकिन अगर आप अपने लाइक्स और पोस्ट के लिए उसको रीपोस्ट 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 करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपसे घूम के तो आएगी ना। एक राय बोलिए जैसी भी है कि बचपन से एक चीज होती है जो हमको सिखाई जाती है कि पुलिस से दूर रहना है, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे शायद ये नहीं सोचेंगे कि भाई पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए जब भी हम रोड वगैरह पे जाते हैं तो पुलिस को देखते थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक जो धारणा बन रही है बच्चों के मन में या जब से हमने चीजें की है कि पुलिस भी दूर रहना है पुलिस से, तो ये क्या पुलिस इस पे कोई एफर्ट करेगी? कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों के मन में एक माइंडसेट है कि पुलिस में यार 50% क्या उससे ज्यादा लोग करप्ट होते हैं, सो इस पे क्या पुलिस क्या कुछ कर रही है? क्योंकि मैं नहीं देखता कि कोई भी यूथ या कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो ये बोले यार पुलिस के पास जाते हैं हेल्प करने के लिए, बसते हैं जब हम ट्रैफिक पे भी जाते हैं तो भले हेलमेट पहने रहते हैं तो डर जाते हैं यार ये कुछ भी चलाना काट ले कि तेरा नंबर ठीक नहीं लगा इंडिकेटर नहीं चल रहा है एक वाला, तो ये जो माइंड सेट बन गया लोगों के मन में पुलिस के लिए कि भाई पुलिस से दूर रहना है, कि पुलिस के पास जाने वाला माइंडसेट आप कैसे लाएंगे? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन। मेरे साथ कोई सेल्फी लेगा तो मैं पुलिस नहीं हूँ क्या? कोई ऑफिसर आपको कैसा लगता है या किसी ऑफिसर पे आपको विश्वास है ये कौन कैसा लगता है उसके अनुसार लोग आपको अप्रोच करते हैं। सेकंड, अब आप अपने उदाहरण में बोले ना कि पुलिस वाला है खड़ा है ट्रैफिक का चालान काट रहा है मैं हेलमेट पहना हूँ लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है मेरा नंबर प्लेट पे बोल दे तो भाई नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है, मेरा सवाल है आपसे तो नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है? तो आपको नहीं मैं नो आई डू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ इट्स वन एग्जांपल। एक कितने करोड़ पुलिस वाले होंगे पूरे इंडिया में? मैं समझ रही हूँ आपका सवाल लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि धीरे धीरे द फेस ऑफ पुलिसिंग इज चेंजिंग, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाओगे, ठीक है, आपको डर लगा आप नहीं गए ऑब्वियसली, मतलब लॉ एनफोर्समेंट या मतलब जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर इसको गॉड के पैरेलल्स में बोलूं तो जो दंड देने वाले गॉड होते हैं ना चाहे वो शनि भगवान हो चाहे रघुनाथ, उनसे तो डर तो लगेगा ना, अच्छा करोगे तो भी लगेगा पास नहीं जाना। अरे आई डू अंडरस्टैंड, स्वागत के लिए मैं डायरेक्टर सर को आमंत्रित करती हूँ अजय अग्रवाल सर को कि फूल लेकर उनका स्वागत करें। जय जोहार। और मैं संवाद की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इतना अट्रैक्टिव और इनोवेटिव प्रोग्राम आप लोगों ने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका मैम अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ये जितना भी लेआउट है और राइटअप है और जिस तरीके से आप लोगों ने इसको अप्रोच किया है बहुत ही ज्यादा लाइवली और अट्रैक्टिव। साइबर लॉज और उसका इफेक्टिवनेस सोशल मीडिया पे, तो पीताम्बर ने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया क्योंकि आप इतने अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर रहे थे कि बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे आप और आपके सारे आंसर्स बहुत सही थे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे आप लोगों के क्वेश्चंस सुन के इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अवेयर ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है तो वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा हमको। मैं आप लोग को एक दो बातें बोलना चाहूँगी उसके बाद कि अगर आपको पता है जो काम आप कर रहे हो वो सही है और अगर वो लीगली भी सही है और मॉरली भी सही है तो कभी किसी के फ़ोन पे उस चीज़ को हटाना नहीं चाहिए,
लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं इसका देखती हूँ, कई बार बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं या जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि वो बुली करने पे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कि अगर हम जानबूझ के ऐसी चीज़ों को मतलब बदला लेने के लिए डालते हैं, बिकॉज हम उस चीज़ से डे इन डे आउट काफ़ी जुड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया अब मैं तो उसको दिखाऊंगा। तो मतलब अगर उनको कोई फैक्ट या फिगर मिलता है जिसके बेसिस पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, तो वो उस लिंक को वहाँ पर टैग कर देते हैं। अगर वो विकिपीडिया का लिंक है या अगर वो कोई वैलिड लिंक है तो वहाँ पर वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को करेंगे तो आपको जब कोई क्रॉस करेगा तो आपको उसको फाइट करने में आसानी जाएगी, और आपको ऐसे भी कोई इजीली बहुत ज़्यादा आपको काट नहीं सकता, क्योंकि आपने चीज़ों को फैक्ट्स का अध्ययन करके उन चीज़ों को डाला है और एकाएक एकदम से नहीं डाला है। बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि सभी के उपयोग के लिए आएगा। वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे माइक मिला, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे तक माइक आए। एंड गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम प्रखर है, मैं अंबिकापुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन सोशल मीडिया को लेके है, लाइक वीडियो लोग कुछ भी बनाते हैं, कहीं पर भी डालते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। मैं हाल ही में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे शहर अंबिकापुर में एक महिला है, वो काफ़ी अच्छा काम करती है अपने मोहल्ले में, उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल्स हैं, कुछ पॉलिटिक्स वाले बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, उन्होंने उनके लिए कुछ फेक न्यूज़ बनाई और सोशल मीडिया में वायरल किया। इवन उनके उनके साथ वो लोग भी गए जो समाज में रहते हैं और उनका हेल्प कर रहे थे। और